आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महाराजगंज यूपी दिनांक 11/12/2021 दिन शनिवार को जामिया रिजविया नूरुल उलूम सिविल लाइन के प्रांगण में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तेखार अहमद जावेद का जनपद के समस्त प्रकार के मदरसा शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया। माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद मुख्य अतिथि के साथ जनाबा बहीदुल्ला खान सईदी जनरल सेक्रेटरी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर श्री प्रवीण कुमार मिश्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस शिक्षक सम्मेलन में आए हुए मेहमानों को जनपद के अधिकांश मदरसों के प्रधानाचार्य एवं क्लर्कों ने सभी उपस्थित मेहमानों का फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया और अपनी तरफ से मदरसा की समस्याओं की ओर इंगित कराते हुए उनके निराकरण की अपील भी की। बैठक की अध्यक्षता जामिया के प्रधानाचार्य अलहाज मोहम्मद मोइनुद्दीन कटारी ने एवं संचालन शमसुल हुदा खान ने की। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तेखार अहमद जावेद ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। मैं जिस काम पर हूँ ये ईमानदारी और मेहनत का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे मदरसा शिक्षक परिषद का अध्यक्ष बनाया और कहा कि मैंने कई जनपदों का दौरा किया, लेकिन जिस तरह से जनपद महाराजगंज के लोगों ने मेरा स्वागत किया मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मदरसों में हो रही दिक्कतों को सुना और कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्द परेशानियों को दूर किया जाएगा। अंत में कहा कि मदरसों में हो रही पढ़ाई को बेहतर साइंस विज्ञान और नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा ताकि मदरसों से निकलने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। शिक्षकों को क्या दिशा निर्देश दिया गया? कार्यक्रम नहीं था, इन लोगों ने मुझे बुलाया था चेयरमैन की हैसियत से, बुला करके इनसे मिलना चाहता था और इनसे मिलना चाहते थे, एक तरह से मिल करके मदरसों के बच्चों की मुस्तकबिल के लिए काम करना है, उसके लिए हम आए थे यहाँ से। मदरसा शिक्षकों के लिए क्या बेहतर करना चाहते हैं और आपकी सरकार क्या करना चाहती है? हम सबसे पहले हमारे प्राथमिकता बच्चों के लिए, हम बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनको दीनी तालीम साथ दुनिया में तालीम देना चाहते हैं। उस कड़ी में हमारे टीचर्स हैं, उनके अपने वो हैं, हम चेयरमैन हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन असली मकसद तो हमारे बच्चे हैं, बच्चों का बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और प्राइमरी विद्यालयों में और में ब्रेंच की व्यवस्था है और भी है, क्या मदरसों में इसकी प्रावधान करेंगे कि बस नीचे ही बैठ के अपना करते रहेंगे बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे? अब पता करता हूँ, आपने सुझाव दिया है, अब मदरसों में कहाँ कमियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश करें। बाकी विद्यालयों में कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था की जा रही है, यहाँ भी दिया गया है, मदरसों में दिया गया है, कुछ ही मदरसों में, पूरे मदरसों में नहीं मिले हैं, लेकिन पूरे मदरसे मिलेंगे, जो कमियाँ उसको दूर करेंगे, जो पहले से हो रहा है उसके लिए शुक्रिया गवर्नमेंट का भी और सबका, और आने वाले दिनों जो कमियां उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।